Assalamualaikum. मेरा नाम है सैफ खान एंड दिस इज़ नॉट अ व्लॉग, दिस इज़ नॉट एन एजुकेशनल वीडियो फ्रॉम अ प्रीवियस वीडियोज़. दिस इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट एंड फॉर दिस पॉडकास्ट आई हैव इन्वाइटेड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हमज़ा हमज़ा मलिक, टू हु हैज़ डन हिज LLB फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन एक्सटर्नल प्रोग्राम्स विद अ डिग्री ऑफ 2.1 and sixth extensions, and he's doing his bar at law in City University London, and we'll be having a conversation on different things just as a lay person. और ये वीडियो बाइलिंगुअल होगी, कुछ इंग्लिश में होगी, कुछ उर्दू में होगी, और आप हम लोग आपस में गपशप लगाएंगे कि कुछ चीज़ों के बारे में, और अपना ओपिनियन देंगे और कोशिश करेंगे कि शायद आपके लिए इंटरेस्टिंग होए, इंटरटेनिंग होए एंड इंफॉर्मेटिव होए. तो सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड डू कमेंट बिलो कि व्हाट यू लाइक अबाउट द वीडियो एंड अबाउट आर कॉन्वर्सेशन एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आल follow Hamza on his Instagram, and let's just start with the conversation. And then after he completed his LLB, इन्होंने 3 महीनों के लिए रिया बाकर जिलेट में इंटर्नशिप की थी, जो पाकिस्तान की वन ऑफ द वेरी रेनाउंड लॉ फर्म्स है. और उसके बाद ही प्रैक्टिस इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. So this is Hamza, and we'll be making a conversation about what was his journey doing his LLB. Now he's doing his bar at law. Or overall, हम कुछ गपशप लगाएंगे कि what are his views about the education system and Pakistani culture और सारी जो environment आजकल youth के और करंट चीजों के बारे में है. सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन. अस्सलाम वालेकुम हमजा, क्या हाल है आपके? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र. चले मैं फर्स्ट आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक? आप जरा अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताना चाहोगे हमें कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो और कहाँ से शुरू हुआ सारा कुछ? यस, सो बेसिकली माय फैमिली बिलोंग्स फ्रॉम तलागंग डिस्ट्रिक्ट चकवाल में, एंड आई हैव एन आर्मी बैकग्राउंड. तो चाइल्डहुड ज़्यादा इसी तरह गुजरा, मुख्तलिफ शहरों में पोस्टिंग होती रही वालिद साहब की, तो हम भी साथ साथ मूव करते रहे. और लेकिन 2012 से हम लोग रावलपिंडी में सेटल्ड थे. और मैंने अपना स्कूल फिर 8th क्लास से ऑनवर्ड्स स्कूल और कॉलेज अपना आर्मी पब्लिक स्कूल से किया. एंड आफ्टर दैट आई केम टू टीम यूसी टू डू लॉ. तो मुझे जरा इसके बारे में जरा थोड़ा एक्सप्लेन करो कि आप आर्मी बैकग्राउंड से हो तो यूजुअली हमारे हाँ हमारी पूरी सोसाइटी में ही और स्पेशली आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे भी उनको काफ़ी इंक्लिनेशन होती है जो ट्रेडिशनल है हमारे यहाँ कि इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करनी है या आर्मी में जाना है, फोर्सेस में जाना है. तो व्हाई डिड यू चूज लॉ जो पेरेंट्स थे वो इस मामले में बिल्कुल भी वो उन्होंने किसी किस्म की कोई इन्फोर्समेंट नहीं की कि यार ये करो या वो करो. सो माई फादर ऑल्सो हैड अ वेरी वेरी मच इंटरेस्ट इन लॉ एंड पॉलिटिक्स. तो उन्होंने कहा लॉ अगर आप करो तो फॉरन डिग्री अगर कर लो तो वो काफ़ी अच्छी होगी. तो मैं बेसिकली वैसे तो अगेन वही जो आपने बात की ट्रेडिशनल फुटस्टेप्स को फॉलो करता हुआ आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है. और मैं अपने कॉलेज तक मेडिकल स्टूडेंट था, मैंने मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ लॉयर एंड स्टडी लॉ. सो मैं एट द लास्ट मोमेंट ये डिसीजन लिया कि नहीं यार मेडिकल कॉलेज मैंने नहीं जाना. और फिर मैंने एक दो एंट्री टेस्ट में अपियर ही नहीं हुआ एंड देन ऑप्टेड फॉर दिस लॉ डिग्री. एंड द गोल वॉज टू कम अब्रॉड एंड डू द बार एट लॉ. सो दैट वॉज द मेन रीजन वाई वी चोज द यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन डिग्री. अच्छा, तो आपने FSC की है मतलब? जी जी FSC की है, बिल्कुल. ठीक ठीक, तो फिर ये लोकल लॉ क्यों नहीं आपने चूज किया? हमारे यहाँ लोकल लॉ भी तो है, तो आपने व्हाई डिड यू चूज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक्सटर्नल प्रोग्राम?
अच्छा, एक तो मैंने जिस तरह कहा कि उसमें ये था कि बारट लॉ की ऑप्शन आपको इतनी इजीली नहीं मिलती लोकल लॉ पे, तो माय फादर वाज आल्सो वेरी कीन एंड आई आल्सो वांटेड टू डू दिस बारट लॉ वाली डिग्री, क्योंकि एट दैट टाइम, तो अभी भी खैर उसकी बड़ी वो एक हाइप थी हमारे प्रोफेशन में कि यू गो अप एंड स्टडी बारट लॉ हाँ, एंड सोसाइटी में एक वो एक है हमारे यहाँ के जो बैरिस्टर है, वही बैरिस्टर साहब आए एग्जैक्टली. हैं अगर कंपेयर करें आप वैसे एक नॉर्मल एडवोकेट से। हाँ बिल्कुल ठीक बात है. वैसे इसका इतना अभी वही बात है कि इसमें नहीं जाते इस डिबेट में कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन बस. और दूसरा एक रीजन ये भी था कि पाकिस्तानी लॉ की आपको इस एज सच कोई इतनी गुड यूनिवर्सिटी मुझे नहीं लग रही थी. मतलब इस्लामाबाद में आप कह लें कि एक बहरिया है अच्छी है, कायद आजम एक है, और लाहौर में एक लम्ज है, अदर देन दैट आपको कोई इतनी खास अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती. सो आई वॉज लाइक कि यार यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वुड बी अ गुड ऑप्शन. अच्छा, तो आपने आपको किसने रेफर किया था, मतलब किसी दोस्त को देखा था या खुद से रिसर्च की थी, तो किस तरह आपने डिसीजन बनाया कि भाई मैंने ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का ही करना है? कोई होती है ना बेसिकली एग्जांपल आपको सामने? बेसिकली इस तरह था कि हमारे फैमिली में भी कोई एक ना दूरदार के रिश्तेदार थे जिन्होंने की हुई थी ये डिग्री. सो माय फादर ऑफन यूज टू से कि अगर लॉ करना हुआ तो तुम वो इंटरनेशनल डिग्री कर लेना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाली. तो व्हेन द हाँ फाइनल मोमेंट केम फॉर द डिसीजन, थोड़ी सी रिसर्च वगैरह की और फाइनली वी एंडेड अप इन इस्लामाबाद स्कूल ऑफ लॉ F8 वाला जो है. तो बस वहां अच्छा से फिर अच्छा ढूंढते ढूंढते और कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है करते करते टिल्स गए, टिल्स से फिर फाइनली वी केम टू टीम यूसी. अच्छा अच्छा एक और भी जो बहुत बड़ा फ्लॉ लगता है मुझे अपने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, ओवरऑल बहुत हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बहुत फ्लॉड है, और स्पेशली अगर लॉ की बात करें, क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी जब ए लेवल्स करा था मैंने भी लॉ रखा था ना, तो सही. बाद में मैंने उसको परसू नहीं किया, ग्रेड मेरा ठीक ठाक आ गया था लेकिन मैंने परसू नहीं किया, मैं बिजनेस की साइड पे चला गया। और फिर मेरे भाई ने भी लॉ किया है, तो उसको भी जब उसकी भी बारी आई ना यूनिवर्सिटी जाने की, तो उसको भी मैंने पहले तो रिकमेंड किया लम्स जाए, लेकिन फिर एक बहुत जो मेन फैक्टर है ना कि लोकल लॉ ना करने का, वो 5 साल है। आपको पहले वो कराते हैं 2 साल का BA और फिर 3 साल का LLB कराते हैं। इधर आप 3 साल का LLB करते हो और आप यू डन विद योर डिग्री, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, आपका साल बच जाते हैं, जो आपके साल 2 साल का BA में आए नहीं बिला वजह जाया कराते हैं आपके। इनको बिल्कुल भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी इनको चेंज करना चाहिए, इसको कोशिश करना चाहिए कि अमेरिकन सिस्टम या फिर ये ब्रिटिश सिस्टम की तरफ लेके जाएं, ज़्यादा डिग्री को मुश्किल बनाएं बजाय कि ज़्यादा आसान हो। अभी चलिए इसके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं। फिर आपका फर्स्ट इंटरेस्ट, आप कहते हो कि आपके फादर की वजह से लॉ में आया ज़्यादा, और फिर आपने 2 एंट्रेंस टेस्ट भी दिए थे मेडिकल के, उसके बाद आपने आपने कहा कि आप F8 वाले में चले कि क्या नाम था उसका कॉलेज का, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल इंटरनेशनल इस्लामाबाद स्कूल स्कूल. ऑफ लॉ। अच्छा एग्जैक्टली. अच्छा वो उधर उधर मेरे मेरे जो सर थे ना ए लेवल्स में, वो उनका उनका आई सी आई कॉलेज है सी वो। तो सही. फिर अच्छा बहरहाल फिर आप टेल्स गए, फिर टीम यूसी। अच्छा टीम यूसी फिर क्यों, वाई वाई नॉट टेल्स में क्यों नहीं, हालांकि टेल्स भी बड़ा रिप्यूटेड है इस्लामाबाद में। बेसिकली वो ये था कि यार अब इन जितनी सारी यूनिवर्सिटीज ये करा रही थी ना इंटरनेशनल प्रोग्राम, हमने देखा कि इनमें हाँ से अब किसका कोई थोड़ा बहुत कैंपस लाइफ अच्छी है. बाकी अच्छा आपको ठीक पता है ठीक कि ठीक टिल्स भी और स्कूल ऑफ लॉ वो तो घर में एक बने हुए हैं, तो वो इतना वो कोई हाँ यूनिवर्सिटी की फील नहीं थी. तो टीम यूसी देखा तो कम अज कम कंपेरेटिवली टीम यूसी वॉज मच बेटर. उसमें थोड़ा सा यूनिवर्सिटी है प्रॉपर और थोड़ा सा बड़ा है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप समझ लेना वो कैंपस लाइफ है. तो हाँ फिर कहा कि लेट्स गो देयर. उसके बाद टीम यूसी में लोग भी अच्छे थे यार. मतलब जो शुरू में हम गए तो जो टीचर मिली एडमिशन के टाइम पे, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, दे वर रियली नाइस. तो हमने कहा कि दिस वुड बी अ गुड प्लेस एंड इट वाज अ गुड प्लेस. अच्छा, तो मुझे 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 जो समझ आ रही है आपकी बात से यही है कि बिकॉज यू वर डूइंग एक्सटर्नल प्रोग्राम, तो ये छोटे इंस्टीट्यूशंस में ही होता है अक्सर हमारे यहाँ। तो अगर आप कंपैरिजन करते किया आपने कि भाई मैंने अगर करनी ही है डिग्री ये वाली, तो मैं कोई बेहतर जगह पे क्यों ना करूँ, जहाँ पर ज़रा थोड़ी बहुत मुझे यूनिवर्सिटी की भी फील मिले ना, कुछ जो 3 साल करनी है वो बार बार तो नहीं करना होता ना। तो फिर आपने चूज़ किया भाई मैं टीम यूसी करूँ, क्योंकि जो बात सच है ओवरऑल इस्लामाबाद में 2-3 ही जगह हैं जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी फील भी मिलती है और आपको ये डिग्री भी मिलती है, बाकी सारे तो घर में बने हुए हैं इसी तरह ही है, जो सच बात है। तो अब मुझे आप ज़रा ये बताओ कि जब आपने मैट्रिक किया, FSC किया, फिर आपने टीम यूसी, उससे पहले जो भी, कल्चर में क्या फ़र्क लगा आपको जब आप यहाँ पे आए, आपने टीम यूसी ज्वाइन किया,
क्या कल्चर में कोई फर्क लगा आपको, ओवरऑल स्टूडेंट्स का और टीचिंग का क्या माहौल था शुरू में? कल्चर तो आई वोंट से कि कोई एज सच कोई ड्रास्टिक चेंज लगा, बस वही एक कल्चरल चेंज था जो थोड़ा सा, मेरा ख्याल है आप कॉलेज से निकल के यूनिवर्सिटी में आते हो तो इट्स अ बिट मोर लिबरेटिंग, कॉलेज की रिस्ट्रिक्शन अपनी थोड़ी ज्यादा होती हैं स्टूडेंट्स पे, तो कल्चरली तो आई कैन ओनली थिंक ऑफ दिस डिफरेंस। एक जो स्टडीज में काफ़ी फ़र्क आया और वो मेरा ख्याल है इस वजह से था क्योंकि देखिए मैं स्पेसिफिकली शायद वो ए लेवल वाले बच्चे इतना फील ना करते क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था देखो FSC का सिलेबस, ठीक है, FSC का सिलेबस जिस तरह से मॉड्यूल्ड है, जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, फिर जिस तरह से उनके एग्जाम स्ट्रक्चर्ड होते हैं, तो इट काइंड ऑफ गेट्स अ मेमोरी टेस्ट। आपका कोई इतनी कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी नहीं होती FSC में, ठीक है। एग्जैक्टली जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम में हम आए तो वो बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी थी और मैंने उसको बड़ा इन्जॉय किया। मतलब वो आप जिस चीज़ का आप पेपर दे रहे हो ना, तो दैट मीन्स अगर इफ़ यू आर क्लियरिंग दैट पेपर यू रियली नो दैट थिंग। वो इस तरह का पेपर बनाते हैं और इतनी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी होती है तो बड़ा मजा भी आता है पढ़ के। तो एट द स्टार्ट आई हैड अ बिट हार्ड टाइम एडजस्टिंग टू दैट, लेकिन आफ्टर 6-7 months इट वॉज गुड और फिर इट वेंट गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ वो तो एक बहुत बड़ा है डिफरेंस क्योंकि FSC में आपका वो रटा वाला सिस्टम है और OA levels में आपको एनालिटिक आपका चेक करते रहते हैं, तो वो आदत पड़ जाती है उस साइड के स्टूडेंट को, और जाहिर सी बात है लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता वो, आप टाइम के साथ अगर करना चाहो तो कर लेते हो। तो फिर वैसे तो जो ये लोग इसमें एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम्स में वो समझते हैं बहुत आसान होएगा, लेकिन असल में इतना आसान है नहीं। इसका अगर आप पासिंग रेट देखें तो बहुत कम है, और माशाल्लाह आपके तो 6 डिस्टिंक्शन आई हैं, 2-1 से आपने डिग्री की है, लेकिन ये ऐसा क्यों है कि ऐसे लोग परसेप्शन क्यों लेके आते हैं कि भाई आसान होएगा, हलवा होएगा, हो जाएगा आराम से, ऐसा क्यों है? क्यों आपने क्या ऐसा फील किया? आपके साथ ए लेवल के भी स्टूडेंट्स होंगे, आपके साथ FSC के भी प्रॉब्लम होंगे और आप खुद भी तो FSC के हो, ऐसा क्यों था? बच्चे क्यों इस तरह सोचते हैं कि भाई आसान होएगा, हलवा होएगा, हो जाएगा? देखिए जितनी भी एक्सटर्नल डिग्रीज होती हैं उनमें एक छोटी सी परसेप्शन वैसे ही बिल्ट होती है आई थिंक सो स्टूडेंट्स की, जिस तरह आप देखें ना हमारी टीम यूसी में जो HND डिप्लोमाज होते हैं, ठीक है, अब बच्चों को टोटली अलग चीज है ना वो, हाँ वो उसमें बच्चों को लग रहा होता है कि बस इसी तरह असाइनमेंट देनी है और इजीली पेपर देंगे और हो जाएगा। सिमिलरली फिर कुछ बच्चे आई थिंक सो मे बी वो कंफ्यूज करके आते हैं, एक BPP की डिग्री आती है जिसमें शुरू में आपने असाइनमेंट्स जमा करानी होती हैं, एग्जाम्स नहीं होते, तो बच्चे उसको कंफ्यूज कर देते हैं। और फिर मेरा ख्याल है एक जो और भी मजे की बात आपको बताऊं, पाकिस्तानी LLB में देखिए 5 साल में होते हैं एटलीस्ट 60 subjects, ठीक है, अब हमारी 3 साल की डिग्री में होते हैं सिर्फ 12 subjects, तो कुछ स्टूडेंट्स इस बात को कंफ्यूज करते हैं कि वो 12 subjects हैं, हर साल 4 papers देने हैं, ईजिली हो जाएंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली इतना ज्यादा सिलेबस होता है ना उन 4 syllabus का कि स्टूडेंट्स एट द एंड मैनेज ही नहीं कर पाते। और फिर अगेन क्योंकि थोरो स्टडी करनी पड़ती है, जो बच्चा सीरियस नहीं होता वो थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर जाता है, तो ये वजह है मेरे ख्याल। और सेकेंडली देखें फिर एंट्री रिक्वायरमेंट भी तो कोई नहीं है ना, देयर इज कोई ऐसा तो नहीं है कोई भी, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है ना, तो बस फिर सारे आ जाते हैं, हर किस्म का बंदा आ जाता है, तो अपॉर्चुनिटी हो जाती है साल के एंड पे वो, फिर ऑब्वियसली देखें हर क्लास की ये कहानी है, आप लॉ में चले जाएं और इवन के जो IR की और पॉलिटिक्स की डिग्रीज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, इनमें भी यही होता है कि फर्स्ट ईयर में भाई 50-60 लोग बैठे हैं क्लास में और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके 20 ग्रेजुएट हैं, 5-6 बच्चे, एग्जैक्टली था, तो बिल्कुल बात ठीक है। अच्छा तो अब आपकी डिग्री माशाल्लाह 3 साल में हुई ना, कोई आपका वो तो नहीं हुआ था गैप ईयर, ठीक। ओवरऑल मुझे मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, क्या ये जो इस्लामाबाद की कॉलेजों और यूनिवर्सिटी का कल्चर है वो कितना को मुख्तलिफ है बाकी शहरों के कॉलेजों शहर यूनिवर्सिटी से? ऐसा क्या आप पिन पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई? अब फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे इस्लामाबाद में जब आप किसी को बोलते हो भाई मैं TMUC में पढ़ रहा हूँ, उसके दिमाग में एक क्या परसेप्शन होती है, आपको समझ आ रही ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके दिमाग में क्या परसेप्शन होती है और असल में क्या होती है रियलिटी? इसी तरह आप जिस तरह बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे, पाकिस्तान में हमारा क्या परसेप्शन होता है, ये यहाँ पे क्या कर रहा होगा, और असल में टोटली चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इसके बारे में ज़रा कुछ बताओ कि भाई TMUC का एक परसेप्शन जो है
और रियलिटी में क्या फर्क है, और क्या कुछ परसेप्शन वो रियलिटी से सिमिलर भी है? मैं माहौल, पढ़ाई और सब कुछ के बारे में बात कर रहा हूँ। आपकी बात। सो बेसिकली देखिए, मेरे ख्याल से अब टीएमयूसी की जो सबसे पहली परसेप्शन की बात है ना, आप देखिए, रूट्स रूट्स हमेशा से एज एक एलीट स्कूल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। बिफोर ये यूनिवर्सिटी बनी, रूट्स जो स्कूल था, ठीक है, तो अभी तक लोगों के जेन में वो ब्रॉडली एक परसेप्शन है कि यार ये मनी मेकिंग टाइप सीन है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि यार वो जिस तरह मीम बनती रहती है कि बर्गर आवाम है तो पार्टी हाँ, शर्ट बस होती है, पढ़ाई थोड़ी बहुत ही होती है, ये एक परसेप्शन लोगों में है। तो तो मतलब बर्गर आपने वाम भी कितनी शायद है? तो अगर आप देखें ना किसी को कहें कि आप टीम यूसी पढ़ते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी आस्किंग कि यार क्या माहौल है, पार्टी शार्टी का क्या सीन होता है। मतलब अब ये मेरे ख्याल से देखें, ये आई डोंट थिंक सो कि अब ये कोई परसेप्शन टीम यूसी के लिए ट्रू है। देखो अब तो यार ये काम हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, ठीक है, और टीम यूसी में बिल्कुल नॉर्मल है यार, एज लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस तरह का कोई सीन नहीं है, जो भी हमारे भाई सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं। और सेकेंडली जो पढ़ाई की बात है यार, देखो अगेन टीम यूसी में ये चक्कर है कि अगर आपने पढ़ना है ना, इफ यू वांट टू स्टडी तो दे विल सपोर्ट यू, ठीक है। वो आपको, आप एक कदम बढ़ाओगे लिटरली वो दो कदम बढ़ाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, अच्छे टीचर्स हैं, सब कुछ फिट है। अगर आपने नहीं पढ़ना ना तो दे वोंट लाइक पुश यू कि यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और वो देखो फिर वो आपको एक दूसरा ऑप्शन भी दे रहे हैं, पार्टी करो। हाँ वो आपको दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई ठीक है फिरो फिरो, बिकॉज दैट मेक्स सेंस, क्योंकि देखो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एंड दे आर एन रिकॉग्नाइज सेंटर फॉर एन इंटरनेशनल डिग्री, ठीक है, उनकी अपनी डिग्री नहीं है, सो वाई वुड दे लाइक कीप चेजिंग स्टूडेंट्स के यार पढ़ो 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 भाई, ठीक है। और देखिए जो लोग पढ़ते हैं टीम रूट्स का, टीम यूसी का, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एवरेज रिजल्ट फिर भी ले आते हैं। लेकिन अब कुछ फ्यू लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ना चाहते, तो यूनिवर्सिटी तो उनका कुछ नहीं कर सकती। मैं भी यही बात करता होता हूँ कि एक परसेप्शन होता है वो सही नहीं है। मतलब आपने अगर टीएमयूसी में फॉर एग्जांपल जो परसेप्शन बना था, भाई अय्याशियाँ यहाँ पे हो रही हैं, यहाँ पे सारी पार्टियाँ हो रही हैं हर वक्त, कोई पढ़ाई का सिस्टम नहीं है, कोई इस चीज़ का सिस्टम, हालांकि इस तरह की बात नहीं है। इस तरह अगर होए ना तो फिर तो कोई इंस्टीट्यूशन चल ही ना सके। अच्छी बुराई, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं। अब वो परसेंटेज पर डिपेंड करता है। अब जाहिर सी बात है, जो बच्चा पढ़ने आया है वहाँ पे, मैक्सिमम 100 में से कौन फेल होना चाहता है? कोई भी फेल नहीं होना चाहता। अब मेहनत करने में वहाँ पे फर्क आ जाता है। अब वो काम कितना करना चाहता है, क्लासें कितनी लेना चाहता है, क्लासें नहीं लेगा तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे फर्क आता है। फेल तो कोई भी नहीं होने आता ना, वो तो पास ही होने आता है। तो अब ये परसेप्शन बन जाता है। फिर एक और दूसरी हमारी आदत है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में हो गए ना, या आप जिधर काम कर रहे हो, आपको वो जगह हमेशा बुरी ही लगती है, चाहे वो बेहतरीन जगह हो। आप हम लोग पहले स्कूल में होते थे, हमें वो स्कूल सबसे बुरा लगता था, हालांकि वो सबसे अच्छा स्कूल था शहर का। इसी तरह यूनिवर्सिटी आए, हमें वो यूनिवर्सिटी विद इन बड़ी बुरी लगती थी। हम कहते थे पता नहीं ये प्रिंसिपल और ये मैनेजमेंट नहीं अच्छा चला रही है, बहुत सख्ती कर रहे हैं, हालांकि बाकी की आप कंपेरेटिवली दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाओ तो बहुत रिलैक्सड है यहाँ पे, और कितनी सारी फैसिलिटीज हैं जो उनके पास नहीं है। वो दे वुड लव टू कम हेयर, और आप कह रहे हो भाई मुझे नहीं पसंद है। ये मेरे ख्याल से ह्यूमन नेचर है, नाशुक्री वाली आदत है हमारी, और एक परसेप्शन बनाने वाली आदत है कि भाई इस तरह वहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है।